अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी, एक ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी और मैं आज डिनर के लिए क्या बनाने वाली हूं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे खाकर, तो मैं यहां पे बनाऊंगी पनीर मलाई वाला क्रीमी पनीर मसाला करी बनाऊँगी और यहाँ पर कुलचा बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं यहाँ पर 250 ग्राम पनीर ली हूँ, ये देखिए यहाँ पे 250 ग्राम पनीर है। पनीर के लिए क्या क्या मसाला यूज करूँगी उसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुलचा किस तरह से बनाऊँगी उसे भी दिखाऊँगी। और मेरे साथ यहाँ पे साथ में हैं ये जो पैरोट के बच्चे, बहुत ही आवाज़ कर रहे हैं कि हमें भी दिखाओ। बस देखिए ये पैरोट के बच्चे हैं, छोटे छोटे, बहुत ही आवाज़ कर रहे हैं। इससे इनका आवाज़ से थोड़ा इग्नोर कर लीजिए, थोड़ा मेरे साथ बने रहिए। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, पहले मैं पनीर का प्रिपरेशन के लिए मसाला इसका तैयार करते हैं। इसे मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बर्तन लूँगी। देखिए हमारे पैरट के बच्चे को छोटे छोटे हैं इसलिए सर कितना हिला रहे हैं, देखिए वो भी बोल रहे हैं हमें भी वीडियो में आना है, हमें भी ब्लॉग बनाना है। तो इसलिए एक बड़ी वाली जो पैरट है वो यहाँ बैठी हुई है, ये देखिए मेरे पास एक बड़ी वाली जो हमेशा मेरे वीडियो में आवाज़ करती है, ये देखिए ये बड़ी वाली है, वो देखिए सरक के चली गई। और यहाँ पर देखिए हमारा ये रैबिट भी बैठा हुआ है, ये रैबिट हमारा जो है ये 4 साल का रैबिट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रैबिट है, सब हमेशा एंजॉय करता है। गैस पर एक बर्तन रख चुकी हूँ, यहाँ पे ऑन कर लेंगे, गैस को स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्या क्या मसाला यूज करेंगे मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करने में बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए यहाँ मैं पहले डालती हूँ 2 मीडियम साइज के रफली कटा हुआ प्याज। यहाँ पे है ये मगज के बीच हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ा साइज का टमाटर, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च, ऐसे भी डाल लेंगे इस बर्तन के अंदर। ये जो मसाला प्रिपरेशन होगा बहुत ही स्वादिष्ट वाला मसाला बन के तैयार होगा। जब तक हमारा मसाला प्रिपेयर तैयार हो रहा है चलिए हम आटा को गूंथ के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आटा गूंथने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा बर्तन ली हूँ, इसमें मैं 500 ग्राम मैदा लेकर आई हूँ। इसमें मैं डालूँगी, एक मैदा डालने से ये जो मैदा है इसे कुलचा हो या कोई बेकिंग का प्रोसेस करना है इसे तुरंत ही फ्रिज से निकाल कर बिल्कुल भी ना करें। अब इसे क्या करेंगे, मैं इसे बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है, पहले इसका प्रिपरेशन करते हैं ईस्ट का। ये जो पानी है थोड़ा गुनगुना पानी है, इसे ग्लास में मैं आधा ग्लास से थोड़ा कम है इसमें मैं पानी लेकर आई हूँ। ये 500 ग्राम मैदा में इसमें जाएगा 1 टीस्पून और आधा टीस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी। चीनी डालने पर ये जो ड्राई एक्टिव ईस्ट है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करके इसे ढककर इसे साइड में रख लेंगे। ये एक्टिव होने के बाद इसमें इसे आटे में डालकर इसे अच्छे से गूंथेंगे। इसे आप क्या करेंगे, एक बर्तन से ढक लेंगे, उसे ढक लेते हैं। ये जो मसाला हमारा ये देखिए बॉईल हो रहा है तो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम कर लेते हैं, मीडियम हाई फ्लेम पर इसे कर चुकी हूँ। ये हमारा एक्टिव होने तक अब क्या करते हैं, मैदा में थोड़ा डाल लेते हैं नमक डाल लेंगे मैदा में। मैं नमक अपने हिसाब से ऐड की हूँ, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से ऐड करें। इसे अब मिक्स कर लेंगे इसे। ये जो ड्राई एक्टिव ईस्ट है ये 1 से 2 मिनट में ये एक्टिव हो जाते हैं, अब इसे हो जाता है। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा एक्टिव होने के बाद इसके अंदर में डालकर इसे अच्छे से गूंथेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए तब तक इसे पकाना है। अच्छे से बॉईल होकर ये तैयार होगा तो मसाला बहुत ही, इसका जो कच्चा स्मेल निकल जाएगा तो बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होगा।
जब तक हमारा यीस्ट एक्टिव हो रहा है तब तक ये पनीर का पीसेस कर लेते हैं। जितना बड़ा आपको साइज चाहिए उतना बड़ा आप पीसेस कर सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल पीसेस करके तैयार करूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, ज़्यादा छोटा भी नहीं करूँगी, बस इसे नॉर्मल करके काट कर पीसेस बनाकर तैयार करूँगी। प्राइवेट बच्चे ना थोड़ा चुप हो चुके हैं, बोल रहे हैं पता नहीं क्या दिखा रहे हैं हमें, तो इसलिए वो थोड़ा चुप हो गए हैं। मीटू मीटू क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, चुप हो गए। ये देखिए पनीर हमारा पीसेस हो चुका है, कितने बड़े बड़े पीसेस हुए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, बस इसे कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं इस तरह से रफली काट करके तैयार कर चुके हैं। और इसे साइड में रख लेती हूँ, ये देखिए यीस्ट हमारा कितना अच्छे से एक्टिव हो चुका है, डबल हो चुका है। अब क्या करेंगे, गुनगुना पानी से ही इसे गूंथेंगे। और इसे क्या करेंगे, जो मैदा लेंगे इसका अंदर में थोड़ा सा धुआँ बना लेंगे, मतलब थोड़ा सा गैप कर लेंगे, सच में धुआँ नहीं बनाना है। अब इसे मिक्स करेंगे और इसके अंदर में इसे डाल लेंगे, और थोड़ा कुछ रह जाता है तो इसके अंदर में थोड़ा पानी डालकर इसे मिला लेंगे और इसे डालकर अच्छे से गूंथ कर तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। हमें जब ब्रेड बनाना होता है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना देखने में दिमाग खुश हो जाता है। घर पर मैं ब्रेड बनाती हूँ, बहुत बहुत सारे कुकिंग चैनल में बनाकर आप सब शेयर कर चुकी हूँ। ब्रेड भी बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, मेरे बच्चे को तो गार्लिक ब्रेड बहुत ही पसंद होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुलचे के लिए इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मस लेंगे ये मैदे को, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर में, थोड़ा सा और पानी इसमें और करूँगी, एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करूँगी। इसे मसलते मसलते 5 से 7 मिनट थोड़ा मसल लेंगे, ब्रेड में जो मसलना होता है 10 से 12 मिनट या 15 मिनट मसलेंगे तब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसके अंदर में थोड़ा सा पानी रह चुका है, इसी समय में गैस बंद कर लेंगे, क्योंकि मसाला पीसते समय भी हमें थोड़ा पानी चाहिए। इसे अब ठंडा होने के बाद मैं इसे पीसूंगी ग्राइंडिंग जार में, ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे अच्छे से चिकना पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ये सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, और इसे 2 से 3 मिनट मसलेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल 1 चम्मच के करीब, ऊपर से चिकना कर लेंगे, थोड़ा मसल कर इसे ढक लेंगे, ऊपर से थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और एक बर्तन से इसे ढक कर रख लेंगे थोड़ा एक्टिव होने के लिए। इसे 1 घंटे के लिए रख लेंगे, एक्टिव होने के बाद इसमें कुलचा बनाकर तैयार करेंगे। अब ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है, ये कितना चिकना भी हो चुका है, ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, इसे तेल लगाकर, अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा चुकी हूँ, एक कपड़े से इसका ऊपर में थोड़ा सा ढक लेंगे, कपड़ा को गीला करके मैं निचोड़ चुकी हूँ। अब एक लेट लगाकर इसे रेस्ट में रख लेंगे 1 घंटे के लिए, ये एक्टिव हो जाएगा, इसके अंदर इस एक्टिव होने के बाद जो कुलचा बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। अब मसाला हमारा ठंडा होने के बाद इसे पीसूँगी। एक मज़े की बात बताऊँ, चलिए देखते हैं बच्चे दोनों क्या कर रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, देखिए क्या है, मोबाइल में मशगूल हैं, मोबाइल पकड़ के, ये देखिए ये देखिए ये यहाँ पे यहाँ मैगी खाकर ख़त्म कर चुके हैं, नहीं टॉप रमन, टॉप रमन खाकर इसे ख़त्म कर ख़त्म कर चुके हैं, अपनी मोबाइल में व्यस्त बिजी हो चुके हैं। देखिए हर नूडल मैगी नहीं है, टॉप रमन है, ये देखिए मोबाइल रख कर चला गया। देखिए ये जेलबोरिन जैना मुमताज, सब अपना अपना अकाउंट में वीडियो डालते हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए।
ये देखिए मेरे बच्चे दोनों हैं, ये मेरा बेटा है जो ये लॉ का फोर्थ ईयर में है, और ये बेटी का मेरा क्लास थ्री फर्स्ट ईयर में है। चलिए अपना अपना उन्हें काम करने दीजिए, मैं अपना काम करती हूँ। चलिए अब ये पनीर को थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे। पनीर फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर तवा रख चुकी हूँ गैस पर, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल। तेल डालकर इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लूँगी, इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा और इसे तवे पर चिपकेगा नहीं, इसलिए हल्दी पाउडर इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके तेल हमारा गर्म होने पर इसे सेलो फ्राई करके निकालेंगे। इस तरह से डालकर इसे सेलो फ्राई करेंगे। इस पनीर को अलग से पलटते हुए इसे अच्छे से सेलो फ्राई करके निकालेंगे। थोड़ा सा इसका कलर आ जाए तो इसे निकाल कर इसका मसाला करी बनाएंगे, क्रीमी वाला मसाला बनाएंगे। किस तरह से बनाते हैं देखिए, ये तो मसाला हमारा ठंडा हो रहा है। ठंडा होने के बाद इसे पीस लेंगी, पीस के उसे मसाला बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे, उसके बाद बनाते हैं मसाला पनीर। अब तक पनीर हमारा पक रहा है, देखिए मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। इस ग्राइंडिंग पॉट में डालकर मैं इसे चिकना पेस्ट बनाकर लेकर आती हूँ। ये पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, देखिए इस तरह का हमें चाहिए। अब मैं गैस बंद कर चुकी हूँ, इसे हटा लेंगे और इसमें रख लेंगे एक कढ़ाई, मोटे तले का कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। गैस को हमारा कढ़ाई थोड़ा गर्म होने पर इसमें डालेंगे तेल। ये हमारा गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी। 5 से 6 चम्मच तेल इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो और थोड़ा ज़्यादा, इसमें आपको ज़्यादा ग्रेवी में तेल ज़्यादा पसंद है तो और थोड़ा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 तेज़पत्ता, शाहजीरा थोड़ा सा, 2 से 3 है लौंग, जावित्री का फूल है थोड़ा सा, और जायफल है 1 टुकड़ा मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें खड़े गरम मसाले इसमें डाल लेंगे। भूल चुकी थी मैं, थोड़ी हरी इलायची डालना। इसमें 2 हरी इलायची को इस तरह से खोल कर डाल लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर में फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें मसाले जो ऐड करेंगे, जो पिसा हुआ मसाला है उसे ऐड करेंगे, तो इससे पहले थोड़ा सा गैस को लो कर लें क्योंकि इसका छिटा अपने ऊपर भी आ सकता है। तो इसी समय में आहिस्ता आहिस्ता करके मसाला ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर 1 और चुटी इसके अंदर में जो मसाला रह गया है उसे भी मिलाकर डाल लेंगे। थोड़ा सा इसे भूनेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लें और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक लें, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च ऐड कर चुके हैं अच्छा कलर आने के लिए। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें डाल चुकी हूँ। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये जो चीनी, ये इसे बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा, इसमें रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा चीनी ऐड करने पर इसका बहुत ही इसका फ्लेवर निखर कर आता है। इसे थोड़ा सा फ्लेम को लो कर लें, छीटे अपने ऊपर आ रहे हैं तो इसे मसाला अच्छे से हमारा भुन जाने पर इसमें ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें। और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। थोड़ा गरम मसाला, खड़े गरम मसाले यूज़ की हूँ तो इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो 1/2 चम्मच के करीब ऐड की हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड करें। इसे थोड़ा सा और भुनेंगे। मसाला हमारा पहले से तो पका हुआ है लेकिन इसका जो कच्चा स्मेल रहेगा वो भी निकल जाएगा। तो अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। अब इसी समय में डालूँगी पनीर, थोड़ा पनीर डाल लेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखिए इसके अंदर में।
और इसमें उबला हुआ पानी इसमें ऐड करेंगे। इसमें उबला हुआ पानी भी ऐड करें, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना ऐड करें। उबला हुआ पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। ग्रेवी कितना चाहिए आप अपने हिसाब से ऐड करें। चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो मसाला रह जाएगा तो बाद में जल जाएगा, तो इसलिए इसे अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर की तरफ लेकर आना है। और इसे क्या करेंगे, अब ढक लेंगे। इसे ढक लेंगे, थोड़ा सा इसका जितना हमें ग्रेवी चाहिए, हमें तो क्रीमी वाला ग्रेवी चाहिए। बाद में इसमें मलाई ऐड करूँगी और कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी। ये छोटा सा ब्लॉग मैं आपके साथ में शेयर की हूँ, किस तरह से लगता है तो मेरा ब्लॉग आप ज़रूर बताएं। चलिए अब इसे इंतज़ार करते हैं हमारा पनीर किस तरह से बनकर तैयार होता है, उसके बाद बनाएंगे कुलचा। देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को मैं मीडियम कर चुकी थी। ग्रेवी हमारा कितना थिक हो चुका है। अब देखिए इसमें मैं ऐड करूँगी ये मलाई। मलाई को थोड़ा सा फेंट चुकी हूँ मैं, थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए, और इसमें ऐड कर लूँगे। मलाई डालने पर बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनता है। और इसे थोड़ा सा बचा चुकी हूँ गार्निश करने के लिए, और इसे मिक्स करेंगे। कितना सुंदर कलर आया है इसका देखिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, इसे मसल कर डालें। हाथ पर लें, थोड़ा सा इसे मसल लें। अब इसे डाल लेंगे कसूरी मेथी, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। गार्निश करने के लिए थोड़ा सा बचा लेंगे और इसमें डाल लेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए क्रीमी टेक्सचर आ चुका है ना। मैं तो इसी तरह से ही क्रीमी वाला पनीर बनाती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप किस तरह से बनाते हैं एक बार इस तरह से बनाकर भी देखें। गैस बंद कर लूँगी, अब इसे ढक लेंगे। जितना ठंडा हो जाएगा और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इतना कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। बस इसे अब बंद कर लेंगे, चलते हैं कुलचा बनाने के लिए। 45 मिनट हो चुके हैं, मैदा हमारा फूल के तैयार हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। 5 करके इसका जो एयर है इसे निकाल लेंगे, फुसक लेंगे ना। अब इसे थोड़ा सा मसल लेंगे और थोड़ा सा इसे मैदा डाल लूँगी और इसे मसल लूँगी। कितना चिकना, कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है देखिए। एक बार इस तरह से कुलचा बनाएं, खाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। थोड़ा पोंछ कर साफ कर लेंगे और इसे गोले बनाएंगे। जितने बड़े आपको कुलचा चाहिए उतने बड़े गोले बनाकर तैयार करेंगे। इतना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा कुलचा बनाऊंगी, मेरे बच्चे खाएंगे, क्या रिएक्शन होगा मेरे बच्चे बताएंगे। क्या मेरे तो किचन महक रहा है ये पनीर मसाला से, क्रीमी क्रीमी पनीर मसाला। ये क्या सूंघ रही है, अच्छा स्मेल है, अच्छा स्मेल है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला। इसे ये देखिए इतने बड़े बड़े गोले, इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसमें थोड़ा सा बेल लेंगे। एक गोले निकालेंगे और उसे ढक लेंगे। इसे बेल कर थोड़ा सा मोटा वाला कुलचा बनाकर तैयार करेंगे। तवा गैस पर रख चुके हैं, थोड़ा सा इसमें पानी लगा लेंगे हाथों से, और इसमें थोड़ा सा एक कलौंजी लगा लेंगे सुंदर दिखने के लिए। वो कलौंजी भी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस तरह से लगा लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया से भी लगा लेंगे, हरा धनिया लगा लेंगे थोड़ा सा। और देख लेते हैं हमारा तवा हमारा गर्म हो चुका है या नहीं। हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल लूँगी कुलचे को। अब क्या करेंगे,
साइड में थोड़ा सा कुछ ड्रॉप पानी का डालकर इसे ढक लेंगे। इस तरह करने पर अच्छा स्टीम आ जाएगा। एक साइड इस तरह से फूल चुका है, अब इसे पलट लेंगे और इस तरफ से भी थोड़ा सा पानी डालकर कुछ ड्रॉप अब इसे ढक लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कुलचा का गुब्बारे की तरह फूल चुका है। अब इसका ऊपर में थोड़ा सा लगा लेंगे घी, घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं। चारों तरफ से लगा लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट अच्छा कुलचा बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से सारे कुलचे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे कुलचे बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इसे परोस लेते हैं कि कैसा बना हुआ है, अब उसे शेयर करूँगी आपके साथ में। चलिए बच्चों के लिए मैं परोस ली हूँ, बच्चे के साथ में पापा के भी परोस चुकी हूँ। थोड़ा सा इसमें फेंटा हुआ मलाई डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया से इसे गार्निश करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल, इसमें हरा धनिया थोड़ा डाल लेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल भी थोड़ा सा, और इसमें डालकर तैयार करेंगे। अब चलिए परोसते हैं। ये कुलचा और ये पनीर, मलाई वाला पनीर, ये भी तैयार हो चुके हैं। चलिए अब परोसते हैं, किसका रिएक्शन किस तरह से है मैं आपको दिखाऊंगी। झटपट से बनाते हैं, झटपट आप पहले चलो चलो पापा खाने उड़ो। टेस्टी फूड्स फूड्स बताओ टेस्ट कैसा है? बढ़िया टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट। हॉट सीट बैठो, हॉट सीट अभी यहाँ पे बैठोगे, यहाँ पे आप दोनों खा के बताओ तेरे टेस्ट कैसा है। सॉलिड टेस्ट है, कैसा टेस्ट है? टेस्टी फूड वाइज सॉलिड है, टेस्टी खाना खाना है, ना मिलता रहता है अच्छा सा खाना। ब्लॉग में तो ये फायदा रहता है, मैं तो खुद बनाई। तो टपर टेस्ट करके बताओ ना, तुम लोग बताओ, आप टेस्ट करके बताओ, भैया बोलो जबरदस्त। तो कोरिएंडर था ना, कोरिएंडर खा के हाँ 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 टेस्टी है, टेस्टी है बहुत ही टेस्टी कुलचा पनीर बनके तैयार हुआ है। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खांसी में पानी दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।